नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर रेल यात्री को जानना चाहिए। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेलवे ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है और इससे जुड़े नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हाल ही में संसद में ये मुद्दा उठाया गया है कि ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाना कितना मुश्किल हो गया है। वेटिंग टिकट वाले यात्री जबरन किसी भी कोच में घुस जाते हैं, जिससे कंफर्म टिकट वालों को भी सफ़र में दिक्कत होती है। इसी के चलते रेलवे ने वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में सफ़र करने वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। रेलवे का नियम ये कहता है कि वेटिंग टिकट चाहे ऑनलाइन हो या विंडो से, ये केवल जनरल कोच में सफ़र करने की अनुमति देता है। स्लीपर कोच में सफ़र करने के लिए कन्फर्म टिकट होना अनिवार्य है। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफ़र करते हैं तो टीटी आपसे यात्री की दूरी का जुर्माना वसूल करेगा और आपको जनरल कोच में भेज देगा। जीआरपी और आरपीएफ की गश्त भी ट्रेनों में बढ़ाई जा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की कोई परेशानी ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बड़ी संख्या में वेटिंग टिकट क्यों जारी किया जाते हैं? रेलवे ऐसा इसीलिए करता है ताकि अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है तो उसका घाटा ना हो। हालांकि वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में सफ़र करना सही नहीं है। रेलवे बोर्ड आप वेटिंग टिकट की संख्या कम करने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए ये आई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वेटिंग लिस्ट छोटी हो और यात्रियों की दिक्कत ना हो। दिसंबर तक इसे कुछ मंडलों में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो कृपया जनरल कोच में ही सफ़र करें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी परेशानियों से बचिए। अगर आपको यही जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।